जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है सर्वेश क्लासेज केजीजी में। हिट द टारगेट, इजी टू लर्न। साथियों, आज हम लोग बिहार दरोगा प्री का जो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का, जो कि रोशन सर के द्वारा कराया जा रहा है ऑफलाइन और ऑनलाइन, उसका आज हम लोग सेट नंबर 8 और सेट नंबर 9 को एक साथ करेंगे। क्योंकि हमारे बहुत सारे भाई का कमेंट आता है, सर जल्दी करा दीजिए। तो आज हम लोग सेट और 8 और 9 सेट पूरा आपको इस वीडियो में करा रहे हैं। और देखिए साथियों, क्या है कि अभी तक 9 ही सेट आपका हुआ ही है, तो ये आपका दोनों सेट यहाँ मिल जाएगा, 8 और 9, और 1 से लेकर 7 सेट तक का आपका मास्टर वीडियो भी हमारे चैनल पर अपलोड कर दिया गया है सर्वेश क्लासेज केजीजी पे, आप वहां जाकर भी देख सकते हैं। आइए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 8 और कंप्लीट डिस्कशन के साथ। और साथियों, इतना याद रखिएगा कि सितारे सिर्फ आसमान में नहीं चमकते, मेहनत करने वालों के कंधों पर भी सितारे चमक जाते हैं। और मेहनत करने का एक सही मार्गदर्शन आपको मिलेगा सर्वेश क्लासेज केजीजी पे आपके अपने भाई के साथ, क्योंकि आपका भाई 2 बार बिहार दरोगा क्वालिफाइड है। तो हमने आपके लिए लाया है ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी का ये सेट, और जब वैकेंसी आ जाएगा तो हम लोग बहुत कुछ लाएंगे, होमवर्क सीरीज लाएंगे, सेट प्रैक्टिस लाएंगे। आप चाहे पॉलिटी पढ़िए, हिस्ट्री पढ़िए, ज्योग्राफी पढ़िए, लेकिन हर दिन आपको बिहार दरोगा के लिए एक सेट लगाते रहना है, क्योंकि ये एग्जाम जो है ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम है, पीटी और मेंस दोनों। इसलिए आपको हर दिन ऑब्जेक्टिव से रूबरू होना है और ईमानदारी से टेस्ट को अटेम्प्ट करना है, ताकि आपको पता चल सके कि आप कितना मेहनत कर रहे हैं और कितने पानी में हैं। अगर आपका इस सेट में 65 नंबर तक आ रहा है तो आप क्या है, बिल्कुल सही कंडीशन में है। और अगर आपका 65 नंबर से कम आ रहा है साथियों, तो फिर आपको और ज्यादा मेहनत की जरूरत है। और अगर आपको कोई भी समस्या हो बिहार दरोगा से रिलेटेड, हाइट कितना मांगा जाता है, वेट क्या है, गोला कितना केजी का होता है, किसी भी तरह का समस्या हो, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर या हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, तो आपको वहां पे कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड किया जाएगा और आपके समस्याओं का समाधान किया जाएगा। हम आपके सहयोग के लिए हमेशा तत्पर हैं। आइए साथियों, स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, कौन सूफी संत महबूब इलाही कहलाता था? तो महबूब इलाही कहलाता था शेख निजामुद्दीन औलिया। और शेख निजामुद्दीन औलिया का शिष्य कौन था आपका? तो शेख निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था आपका अमीर खुसरो। और निजामुद्दीन औलिया का जो दरगाह है ये आपका कहाँ है? तो दिल्ली में है। और मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? अजमेर में है साथियों, ओके। और कुतुबुद्दीन बख्तियार अलकाकी जो है, यह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुरु था, और इसी के नाम पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की स्थापना करवाई थी। ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक है साथियों आपको रस्किन बॉन्ड। और रस्किन बॉन्ड आपको पता है कि ब्रिटिश लेखक है, और इनकी बहुत सारी पुस्तकों को आपको बार बार जेके रोलिंग और रस्किन बॉन्ड की पुस्तक बहुत बार पूछी जाती है, तो आप लोग क्या कीजिए, याद कर लीजिए। यदि ब्यूटीफुल को ये लिखा जा रहा है CDOGHJKMN तो लिखते हैं, तो लीप को क्या लिखते हैं? तो देखिए, बी से सी बढ़ाए और सी से ई से एक घटा देते हैं। अब कैसे है, कुछ ट्रिक काम नहीं कर रहा है। देखिए, अब हम पटाख से जवाब बता देते हैं, क्या है NDO के, आप लोग इसको बना लीजिएगा। जनवरी 2023 में भारत के नए औषधि महानियंत्रक DCGI के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो जनवरी 2023 में भारत के नए औषधि महानियंत्रक DCIG के रूप में नियुक्त किया गया है डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी को नए औषधि महानियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया। एक वस्तु 30% के लाभ पर बेचा जाता है, यदि वस्तु की लागत मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को 100 रुपया कम किया जाता है, तो अब लाभ पर लाभ 45 रुपया होगा। वस्तु का मूल्य लागत क्या है? आज 2 वीडियो है साथियों एक साथ, इसलिए वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, इसलिए आंसर बताया जा रहा है 300। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की अस्थायी समिति ने निर्णय लिया है कि राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस हर साल निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाएगा? ये जो है 5 अक्टूबर को मनाया जाएगा साथियों। और सबसे इम्पोर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि राष्ट्रीय जलीय जीव जो डॉल्फिन है वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कहने पर ही अपनाया गया है, और ये गंगाई डॉल्फिन है। और 5 अक्टूबर को आपको राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस या जलीय जीव दिवस मनाया जाएगा। यदि एक महीने का तीसरा दिन मंगलवार हो, उस महीने के 23वें दिन से छठा दिन कौन सा होगा? 23वें दिन से आपको छठा दिन कौन सा होगा? तो
तो ये दिन होगा आपका शनिवार। क्या होगा दिन साथियों? शनिवार होगा। ओके आइए, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा लॉन्च किए गए संसद के आधिकारिक मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है और ऐसे सवाल बहुत बार आते हैं। इसका नाम है डिजिटल संसद ऐप। क्या है? डिजिटल संसद ऐप है लोकसभा, और आप लोग डिजिटली भी अब लोकसभा की कार्रवाई देख सकते हैं। वो बात अलग है कि लोकसभा में मछली ज्यादा बिकता है और कार्रवाई कम होती है। क्या एक घड़ी 4:30 दिखाती है? यदि मिनट की सुई पूर्व दिशा में हो तो घंटे की सुई किस दिशा में? अब देखिए घड़ी है भाइयों और बज रहा है कितना 4:30, तो 4:30 कब बजेगा? ऐसे और यहाँ रहेगा और यहाँ रहेगा, तो कहता है 4:30। और एक घड़ी यदि पूर्व की दिशा में है, अगर कहता है कि घंटे की सुई की दिशा, तो ये पूर्व है, ये पूर्व है, तो ये क्या होगा? पश्चिम होगा। और ये पश्चिम होगा तो ये आपका क्या होगा? इधर आपका उत्तर होगा, और इधर दक्षिण होगा, तो इधर क्या होगा? उत्तर पूर्व में होगा साथियों। तो आपका सही जवाब है उत्तर पूर्व। बहुत अच्छी बात है। बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय लेखिका कौन बनी है? तो बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय लेखिका बनी है साथियों गीतांजलि श्री, और इन्होंने किसके लिए जीता है? तो रेत समाधि के लिए। किसके लिए? रेत समाधि के लिए जीता है, टॉम ऑफ सेट। ओके, और हिंदी की इनकी रचना थी, लेकिन इनका जो पुरस्कार जीता वो इनका इंग्लिश के ट्रांसलेशन ने जीता। हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ये साथियों भारत को प्राप्त हुआ है आपका 150वां स्थान। बहुत दयनीय स्थिति है प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की। और हाल ही में किस राज्य की सरकार ने अपने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत संग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है? तो हाल ही में जो है आपका उत्तराखंड की सरकार ने प्रत्येक जिले में एक सांस्कृतिक ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है, और एक जिला एक उत्पाद योजना जो है ये आपका उत्तर प्रदेश का है। और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे जी शंकर कुरूप, और जी मतलब होता है गोविंद शंकर कुरूप। और आपको पता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1954 में हुई थी। और मलयालम भाषा के कवि थे कौन? आपके जी शंकर कुरूप। और हिंदी भाषा के पहले कवि कौन थे? कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। दिसंबर 2022 को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने किसमें तपेदिक के खतरे से लड़ने में राज्य के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया है? ये आपका किस राज्य के साथ किया गया है? ये किया गया उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ। किसके साथ किया गया साथियों? उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ। भारतीय प्रेस काउंसिल है एक, भारतीय प्रेस काउंसिल है एक, तो भारतीय प्रेस काउंसिल क्या है? तो भारतीय प्रेस काउंसिल है अर्ध न्यायिक वैधानिक संस्था है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे युवा राष्ट्रपति थे? तो भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे साथियों? बिल्कुल सही आप लोग सोच रहे हैं, बताइए कौन थे। तो देखिए भारत के तो ऐसे सभी यहाँ पे जो भी उपस्थित है वो सभी राष्ट्रपति हैं, लेकिन सबसे युवा राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी, और यही आपका एक ऐसे व्यक्ति थे जो निर्विरोध राष्ट्रपति थे। और साथ ही साथ ये एक बार राष्ट्रपति के चुनाव में हार गए, तो उसके बाद चले गए थे, और दो बार लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे थे, और आंध्र प्रदेश से इनका संबंध था डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी का। निम्न में से कौन सा मिलान असत्य है? सूती वस्त्रों की राजधानी, तो सूती वस्त्रों की राजधानी सूरत को नहीं कहते, मुंबई को कहते हैं, तो वही आपका क्या है असत्य है साथियों। भारत का डेट्रॉइट पिथमपुरा है, और द प्लेस ऑफ विक्ट्री विजयवाड़ा, और एंथ्रेंस ऑफ द ईस्ट मदुरई को कहते हैं, ठीक है। पेटीएम मनी द्वारा पेश किया गया भारत के पहले बुद्धिमान संदेश वाहक का क्या नाम है? तो ये पहले बुद्धिमान संदेश वाहक का नाम है पॉप्स। क्या नाम है? पॉप्स। दूसरे SCO यंग साइंटिस्ट कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? यह आयोजन किया जा रहा है साथियों आपका बेंगलोर में। दूसरे SCO शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, शंघाई सहयोग संगठन के यंग साइंटिस्ट कॉन्क्लेव का आयोजन बेंगलोर में किया जा रहा है, और इसका मुख्यालय शंघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय बीजिंग में है। याद रखिएगा नाम है शंघाई, मुख्यालय है बीजिंग। व्यक्ति द्वारा दी गई ऐसी कोशिश होती है जो कि होती है कि वह अपनी गलत पहचान बताकर आपसे गोपनीय सूचना प्राप्त कर ले। आपको बताए थे पिछले वीडियो में हमने 7 प्रश्न किया है कंप्यूटर से रिलेटेड, और ये आज 8वां प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर उपस्थित है। इसका सही जवाब क्या होगा साथियों? फिशिंग स्कैम। इसको क्या कहते हैं? फिशिंग स्कैम। किसने हाल ही में काहिरा मिस्र में ISSF निशानेबाजी विश्व कप के पुरुष की 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये आपका भारत के कौन से साथी हैं?
ये सही जवाब है रुद्राक्ष पाटिल। रुद्राक्ष पाटिल ने हाल ही में काहिरा, जो कि मिस्र की क्या है राजधानी है, वहां ISSF निशानेबाजी में विश्व कप में पुरुष की 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। जैव ईंधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला कथन है जैव ईंधन पारिस्थितिकी अनुकूल होता है, सत्य है। और जैव ईंधन लागत प्रभावी होता है, गलत है। जैव ईंधन लागत प्रभावी नहीं होता है। जैव ईंधन ऊर्जा संकट के समाधान में योगदान दे सकता है, सही है। और जैव ईंधन मक्का से भी बनता है, सही है। तो जैव ईंधन लागत प्रभावी नहीं है, बल्कि इसमें भी कुछ तो लागत कम, बहुत कम लागत लगता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, कढ़ाई से संबंधित फुलकारी का काम प्रसिद्ध है। ये जो कढ़ाई से संबंधित फुलकारी का काम है, ये काम कहाँ होता है? तो बिल्कुल सही, पंजाब में किया जाता है फुलकारी का काम। किस संस्था को G20 विज्ञान कार्य समूह का सचिवालय नामित किया गया? अभी हाल ही में हम लोग पढ़े थे कि G20 का जो कंट्रोलर बैठक है वो कक्ष में आयोजित किया गया था, और यहाँ पर क्या है कि G20 के विज्ञान कार्य समूह का सचिवालय किसे नामित किया गया है? तो यह नामित किया गया आपको IIC इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर को। निम्न में से किसने नोबेल पुरस्कार नहीं जीता है? सर जगदीश चंद्र बोस ने, एस चंद्रशेखर या BS नायपॉल। हरगोविंद खुराना ने तो DNA के संश्लेषण के लिए जीता था साथियों, ओके। और सर जगदीश चंद्र बोस को जो है बोस प्रभाव के खोज के लिए नोबेल पुरस्कार नहीं मिला था। एस चंद्रशेखर को किसके लिए? तो आपका ब्लैक होल की खोज के लिए मिल चुका है, और इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में मिला था। किसे? BS नायपॉल और हरगोविंद खुराना को। किस देश ने ऊर्जा संकट पर देश में आपदा की स्थिति की घोषणा की? ऊर्जा संकट पर देश में आपदा की स्थिति की घोषणा की गई है आपको दक्षिण अफ्रीका के द्वारा। इंडिया अनरेस्ट के लेखक कौन है? इंडियन अनरेस्ट के लेखक हैं आपको कौन? वैलेंटाइन सिरोल। कौन है? वैलेंटाइन सिरोल है। और वैलेंटाइन सिरोल ने ही किसे? बाल गंगाधर तिलक को भारतीय क्रांति का असंतोष का जनक कहा था। मतलब भारतीय क्रांति को संतोष का जनक किसे कहा गया था? वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा। तो बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता। फ्लैटिंग कहा की संसद का नाम है? तो फ्लैटिंग, पिछले क्लास के वीडियो में आपको ढेर सारे संसद को मिलाने दिए थे, वहां बताए थे कि फ्लैटिंग डेनमार्क की संसद का नाम है। और डेनमार्क जो है आपका ये किस में आता है? तो ये किस तरह का देश में आता है? तो ये डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, ये चारों जो है नॉर्डिक कंट्री के अंतर्गत आता है साथियों। हाल ही में कौन भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर बन गई है? ये जो एविएटर है ये बनी है अभिलाषा बराक। हाल ही में महिला लड़ाकू एविएटर बन गई है। डर्बी किससे संबंधित है? तो डर्बी खेल, किसी खेल से संबंधित एक शब्द है। तो बताइए डर्बी किस खेल से संबंधित शब्द है? तो ये घुड़दौड़ से संबंधित खेल है, ठीक है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, जैव पदार्थों का अपचय और ज्वालामुखी क्रियाएं। उपयुक्त में से कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती है? तो देखिए प्रकाश संश्लेषण तो कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ता ही है, श्वसन भी तो जोड़ता ही है, और जैव पदार्थों का अपचय भी तो आपको क्या करता है? जोड़ता है, ओके। ये भी ये जोड़ता है, लेकिन जैव पदार्थों के अपचय से क्या होता है? कार्बन नहीं निकलता प्रकाश, अच्छा सॉरी 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 प्रकाश संश्लेषण से O2 निकलता है साथियों, बाकी ये तीनों होगा, 2, 3 और 4। बहुत बड़ा मिस्टेक हो रहा था, प्रकाश संश्लेषण से CO2 नहीं O2 निकलता है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान NIRI कब और कहां स्थापित किया गया? राष्ट्रीय शोध एवं पर्यावरण एवं शोध संस्थान NIRI आपका जो है यह स्थापित किया गया साथियों 1958 में नागपुर में। भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहां से प्रारंभ हुआ? भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन आपका प्रारंभ हुआ होशंगाबाद मध्य प्रदेश से। दिल्ली संतनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्न में से कौन था? तो दिल्ली संतनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक था नसरुद्दीन मोहम्मद। कौन था? नसरुद्दीन। गयासुद्दीन तुगलक ने तो क्या किया था? तुगलक वंश की स्थापना की थी साथियों, और लेकिन यहाँ पर क्या है? गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय, तो गयासुद्दीन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक को तो तुगलक वंश का क्या कहा जाता है? तो तुगलक वंश का इसे कहा जाता है आपको, ये सही जवाब है। तुगलक वंश का गयासुद्दीन तुगलक, सॉरी फिरोज शाह तुगलक को तुगलक वंश का सल्तनत या सल्तनत काल का अकबर भी कहा जाता है। निम्न में से कौन सी तापमान की SI इकाई है? तो तापमान की SI इकाई है केल्विन, और आपको पता है कि केल्विन में टेम्परेचर कभी नेगेटिव नहीं होता है साथियों, ओके। किस देश के उत्कृष्ट महिला क्रिकेटर को सम्मानित करने के लिए डेवी हॉकेल मेडल शुरू करने की घोषणा की गई है?
ये जो डेवी हॉकेल मेडल है ये न्यूजीलैंड के महिला क्रिकेटरों को दिया जाएगा। एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 7,640 है, यदि पुरुषों की संख्या में 25% की वृद्धि होती है और महिलाओं की संख्या में 15% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या इतना हो जाएगी। पुरुषों और महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या के बीच का अंतर क्या है, तो आपको क्या करना है, ये सवाल बनाना है साथियों, और इसका सही जवाब क्या होगा, 920 होगा। निम्न में से कौन सी श्रेणी एक लीवर का उदाहरण है। देखिए जितना भी मैथ का सवाल आए उसको बनाते रहना है, इससे क्या होगा आपका मैथ में भी थोड़ा बहुत पकड़ पक बनता जाएगा, जो कि आगे आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है साथियों। निम्न में से कौन सी श्रेणी एक का लीवर है, तो प्लायर क्या है, श्रेणी एक का लीवर है। अब श्रेणी एक के लीवर में क्या होता है साथियों, तो देखिए ये जो सरौता है और ये जो चिमटा है ये श्रेणी तीन का उत्तोलक है, मानव का हाथ भी तीन का उत्तोलक है, और मानव का हाथ में क्या होता है, तो आप यहाँ पर पहले लोड लेते हैं और बीच में आपका क्या पड़ता है, वजन आता है, और यहाँ पर घूमता किसके आधार पे, यहाँ पे फलक्रम यहाँ होता है, तो ठीक ना। और फर्स्ट श्रेणी में जो है और जो आपका सरौता है चिमटा है थर्ड श्रेणी का, और सरौता है सेकेंड श्रेणी का साथियों, क्योंकि सरौता कौन सा है, सुपारी काटने वाला, सुपारी सुपारी काटने वाला सरौता, ठीक है। न्यूटन का शीतलीकरण नियम निम्न में से किसकी एक विशेष स्थिति है, न्यूटन का जो शीतलीकरण नियम है साथियों ये विशेष स्थिति है स्टीफन के नियम का, किसका, स्टीफन के नियम का विशेष स्थिति है। मानव मस्तिष्क में ध्वनि की अनुगुंज कितनी देर तक कायम रहती है, तो मानव मस्तिष्क में ध्वनि की अनुगुंज जो है 0.1 सेकेंड तक कायम रहती है। और पराध्वनि सुनने के लिए हमें किसी वस्तु से 17 मीटर की दूरी पर रहना होता है, तथा जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन होता है, यह अपवर्तन किसके द्वारा होता है, तो यह अपवर्तन होता है आपका स्वच्छ मंडल कोर्निया के द्वारा। अगर किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो इसका उष्मीय प्रभाव हो जाएगा, तो जब किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाएगा तो इसका उष्मीय प्रभाव भी आधा हो जाएगा। निम्न में से कौन सा तत्व अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है, अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है, क्लोरीन, ठीक। रेडियम, रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है, तो रेडियम आपका प्राप्त किया जाता है साथियों किससे, बिल्कुल सही जवाब है, रेडियम पिंच ब्लेड से प्राप्त किया जाता है, और पिंच ब्लेड क्या, यूरेनियम का भी अंश है। निम्न में कौन सी विसरित नहीं होगा, मतलब विसरित क्या होता है, तो जैसे आप धुआं, अगरबत्ती का धुआं विसरित होगा, धुआं भी विसरित होगा, इत्र का बाष्प भी विसरित होगा, लेकिन मेथी पाउडर विसरित नहीं होगा साथियों, क्योंकि मेथी पाउडर कैसे विसरित होगा, हवा में थोड़े, हवा मुड़ेगा तब ना। किसी तत्व, किस तत्व का तक अष्टक का नियम लागू हो पाया, तो देखिए अष्टक का नियम कौन दिया था, न्यूलैंड ने दिया था, किसने दिया था, न्यूलैंड ने, और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपका किस तत्व तक लागू हो पाया था, ये आपका कैल्शियम तक लागू हुआ था 20 तक। गोबर गैस में मुख्य मुख्य तत्व होता है, तो गोबर गैस में मुख्य तत्व क्या होता है, मीथेन, और मीथेन को क्या कहते हैं, मार्स गैस भी कहते हैं, CH4, ठीक ना। समस्थानिकों में, अब देखिए समस्थानिक है तो क्या होगा साथियों, समस्थानिक में जो है समान भौतिक गुण तथा भिन्न रासायनिक गुण होते हैं, नहीं, समस्थानिकों में जो है साथियों समान भौतिक गुण नहीं, समान रासायनिक गुण और भिन्न भौतिक गुण होते हैं, तो ये क्या है, उल्टा है, ये यहाँ चल दीजिए और ये यहाँ, और सभी भिन्न भौतिक गुण होते हैं सही है, और समान रासायनिक गुण होते हैं सही है, तो 2 और 3 आपका क्या है, सही है साथियों। केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रिया पर किसका नियंत्रण होता है, तो केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रिया पर नियंत्रण होता है आपका सरकार का। हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है, हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है प्रति व्यक्ति आय, आपके पास आय ज्यादा है तो आप क्या कीजिएगा साथियों, ज्यादा सब सामान खरीदिएगा, ज्यादा अच्छा कपड़ा पहनिएगा। वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती है क्या कहलाता है, वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है और कीमतें गिर जाती है साथियों, वह अवस्था कहलाता है आपका मुद्रा स्फीर्ति, क्या कहलाता है, मुद्रा स्फीर्ति। और जब कीमतें उच्च हो और बस पैसे भी हो और मुद्रा बिके, लोग सामान ही ना खरीदे, तो वो मुद्रा अपस्फीर्ति कहलाती है। नागरिकों का अधिकार को बने रहने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो नागरिकों का अधिकार को बनाए रखना है और उसको खत्म नहीं करना, यह प्रावधान अनुच्छेद किसमें है, 10 में है, किसमें है, अनुच्छेद 10 में साथियों। सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव है यह सिद्धांत जाना जाता है, तो सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव है यह सिद्धांत दिया गया था आपका किसके द्वारा, बिल्कुल सही, सार्वभौमिकता का सिद्धांत है। निम्न इनमें से किस राज्य को अनुच्छेद 371A के तहत विशेष दर्जा प्रदान किया गया है,
अनुच्छेद 371 के तहत विशेष दर्जा प्रदान किया गया है नागालैंड को। संविधान के अनुसार इनमें से राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कौन सी है, मतलब राष्ट्रपति के पास जो विधायी शक्ति है उसमें से क्या है, तो अध्यादेश जारी करना, और किसके तहत करता है, 123 के तहत करता है। और 1861 में अध्यादेश पहली बार जारी करने का अधिकार मिला था किसे, राष्ट्रपति को। तथा निम्नलिखित राज्यों या संघ शासित क्षेत्रों के समूह में से किसकी लोकसभा में केवल एक सीट है, तो देखिए आपका लोकसभा में जो केवल एक सीट है वो कहाँ कहाँ से केवल एक सीट है साथियों, तो ये जो है आपका चंडीगढ़, सिक्किम और मिजोरम से एक ही सीट है। ओके, बिना बिना विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री किस समय तक पद पर बना रह सकता है, यह 6 माह तक बना रह सकता है, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी बन सकता है, लेकिन यह 6 माह के अंदर उसे विधान परिषद या विधानसभा की सदस्यता लेनी होगी। राजा राज 3077 एक प्रजाति है, तो राजा 3077 एक प्रजाति है साथियों आपका गेहूं की, किसकी, गेहूं की। निम्नलिखित में से उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए है, तो दिल्ली उच्च न्यायालय तो एक ही के लिए है, और बंबई क्या है, एक से अधिक के लिए है, तो आपका बंबई, तो क्योंकि दादर और नागर हवेली और दमन और दीव किसके अंतर्गत आता है, तो बंबई उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है साथियों। भारत के मुख्य निर्वाचन आयोग की पद अवधि क्या है, तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो वही भारत के, और मुख्य निर्वाचन आयोग आर्टिकल 324 से है, और भाग किसमें है, तो भाग निर्वाचन आयोग जो है भाग 15 में है, और 324 से लेकर 329 तक है, ठीक ना। संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु 27% प्रतिशत का आरक्षण दिया गया है, ये 27% तक का आरक्षण जो है ये दिया गया आपको किसमें, 93वां संविधान संशोधन के द्वारा। पंचायती राज्य से संबंधित निम्न सम्मतियों का कालक्रम के व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। आपको पिछले बार भी बताए थे कि अशोक मेहता समिति 1977 में आया था, और आपका जो ये MN सिंघवी समिति है जिसके द्वारा पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया है 1987 में आया था, आप इससे भी देख सकते हैं कि 4 हमेशा पहले होगा और 2 बाद में होगा, और ठीक है, और BR मेहता समिति और KPV राव समिति, ये सभी समितियां भी किससे संबंधित है, आपका सही जवाब है 3412 3412। ओके, अंतरिक्ष सुरक्षा अकादमी अवस्थित है, अंतरिक्ष सुरक्षा अकादमी अवस्थित है माउंट आबू राजस्थान में। सुपरनोवा क्या है साथियों, सुपरनोवा जो है ये आपका एक मृत प्राय तारा है सुपरनोवा, और चंद्रशेखर सीमा को पार करने के बाद कोई भी तारा क्या हो जाता है, सुपरनोवा हो जाता है। निम्न में से किसे यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है, तो यूरोप की तेल राजधानी आपको कहा जाता है किसे, एबरडीन को। निम्न में से कौन सा गर्म धारा है, तो फॉकलैंड की धारा ठंडी जलधारा है, ब्राजील की जलधारा ही एकमात्र गर्म जलधारा है यहाँ, ठीक है, और ठंडी जलधारा के पास आपका क्या होता है, तो ठंडी जलधारा के पास मरुस्थल का निर्माण हो जाता है। कहता है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। फॉर्न, तो फॉर्न का संबंध किससे साथियों, तो फॉर्न जो है आपका ये क्या है, अल्पास में होता है। उसके बाद सिमोवा, ये आपका 2 का 2 सही है, कुर्दिस्तान। सेंटा एना जो है ये कैलिफोर्निया, और ये जेंडा जो है ये अर्जेंटीना में होता है, और ये सभी क्या है, तो घास के पौधे, फस पेड़ का एक प्रकार है पौधे का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, भारतीय मानक समय की यामोंतर नहीं गुजरती है, ये 5 राज्यों से गुजरता है, मित्र परगमछा झार, और झार में महाराष्ट्र कहीं आ नहीं रहा है, तो महाराष्ट्र से नहीं गुजरेगी साथियों। ओके, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है, तो नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है साथियों आपका सतपुरा की श्रेणी, ठीक है। और नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है, और ताप्ती नदी का उद्गम बैतूल पहाड़ी से होता है। निम्नलिखित तिथियों में से किस तिथि को दादर नगर हवेली और दमन द्वीप अस्तित्व में आया, यह जो है किस तिथि को अस्तित्व में आया, 26 जनवरी 2020 को दोनों का संयुक्त करके अस्तित्व में लाया गया। प्रोग्रेमेंट खेल सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है, यह जो है आपका कहलाता है साथियों एपोस्टोफिस, क्या कहलाता है, एपोस्टोफिस कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक लार ग्रंथि तथा श्वेत ग्रंथि में पाई जाती है, तो लार ग्रंथि और श्वेत ग्रंथि में पाया जाता है क्यूबोइड एपिथीलियम। चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है, चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है आपका जीवित प्रतिरक्षियों को। निम्न में से कौन सा एक विकल्प सही सुमेलित है, ओके आइए देखते हैं, क्लोरोफाइसिस हरा शैवाल,
थियोफाइसिस भूरा शैवाल, रेडोफाइसिस लाल शैवाल, ये तीनों क्या है आपका सही सुमेलित है निम्नलिखित, और ये सभी क्या है शैवाल के प्रकार है। निम्न तापक्रम पर किसी जंतु की प्रसुष्टि को क्या कहते हैं, प्रस्तुति को क्या कहते हैं, तो निम्न तापमान पर किसी जंतु की प्रस्तुति को हाइबरनेशन कहते हैं। सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहाँ चलता है, तो सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप प्रकाश के नीले व लाल दाब क्षेत्र में चलता है। प्याज का खाद्य उपयोग भाग होता है, तो प्याज का खाद्य उपयोग भाग होता है साथियों आपका क्या चीज, गुद्देदार पत्ते, क्या होते हैं गुद्देदार पत्ते। अगला देखिए आपका 78 नंबर सवाल है साथियों, निम्न से कौन सा कार्बोहाइड्रेट डाइसैकेराइड है, तो लैक्टोज आपका कैसा है डाइसैकेराइड है। शरीर में कुल 24 जोड़ी पसलियां पाई जाती है, इनमें से कौन सी जोड़ी को तैरती हुई पसलियां कहते हैं, 11वीं और 12वीं जोड़ी को तैरती हुई पसलियां फ्लोटिंग फ्लोटिंग लिप्स कहते हैं साथियों। कौन सी क्रिया को ऑक्सी तथा अनऑक्सी शोषण का कॉमन स्टेप माना जाता है, ये जो क्रिया है ये कौन सी क्रिया है ग्लाइकोसिस, ग्लाइकोसिस को ऑक्सी तथा अनऑक्सी शोषण का कॉमन स्टेप माना जाता है। बुंदला और पलानी जलप्रपात किस राज्य में अवस्थित है, तो बुंदला और पलानी जलप्रपात स्थित है आपका हिमाचल प्रदेश में और सतलज नदी पर स्थित है। निम्नलिखित क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है कक्ष कारण, क्या है कक्ष कारण है। ऑयल जैपर किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है, तो ऑयल जैपर जो है ये आपका ट्राई के द्वारा विकसित किया गया है। 30 शताब्दी ईस्वी पूर्व में कौन सा महाजनपद अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात था, तो सबसे ज्यादा घोड़ा किस महाजनपद में साथियों, तो ये कंबोज में था, किस में था, और कंबोज की राजधानी क्या थी हटक थी, क्या थी हटक थी, ठीक है ना। सूरसेन की राजधानी, मगध की राजधानी क्या थी, तो मगध की राजधानी आपको पता ही है पाटलिपुत्रा, और उससे पहले क्या था आपका गिरिव्रत। निम्न में से किस ग्रंथ को सत्र सहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है, तो ये ग्रंथ है आपका महाभारत, महाभारत को, और विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुने, ऋग वैदिक काल में महिला यज्ञ कार्य में भाग नहीं ले सकती थी, और ऋग वैदिक काल में बाल विवाह सती प्रथा तथा पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, और विधवा विवाह तथा दास प्रथा का प्रचलन था। अब देखिए इसमें सही जवाब क्या है साथियों, तो इसमें 2 और 3 सही जवाब है, सही कथन को चुनना है, तो विधवा प्रथा तथा दास प्रथा का प्रचलन था, और ऋग वैदिक काल में बाल विवाह सती प्रथा का प्रचलन नहीं था, सही है, और ऋग वैदिक काल में महिला यज्ञ कार्य में भाग नहीं ले सकती थी, गलत है। गार्गी और संगीता की हमें चर्चा मिलती है ऋग वैदिक में जो, और सभा और समिति की भी चर्चा मिलती है जिसमें कहा गया है कि महिलाएं पुरुषों के साथ गेठ जोड़ कर भाग लेती थी। ज्योग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है, आपको पता है कि ज्योग्राफी पुस्तक के लेखक है आपके टॉलमी, कौन है टॉलमी है, और छंदो क्या है तथा जैमिनी किस वेद का प्रमुख उपनिषद है, तो छंदो पैद और जैमिनी जो है किस वेद का प्रमुख उपनिषद है साथियों, यह है आपका किसका सामवेद का, किसका है सामवेद का। वर्षाई की संधि ने किस महादेश का मानचित्र बदल दिया था, तो वर्षाई की संधि ने यूरोप महादेश की क्या 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 था मानचित्र बदल दिया था साथियों। अब कहता है नव गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था, तो नव गुएल्फ आंदोलन इटली में हुआ था, और प्रोटेस्ट धर्म की स्थापना का श्रेय दिया जाता है, तो प्रोटेस्ट धर्म की स्थापना का श्रेय दिया जाता है साथियों आपको किसको, मार्टिन लूथर किंग को। अवध में के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था, अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य था लगान का नगद में परिवर्तन, क्या था लगान का नगद में परिवर्तन। निम्न में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था, ये जो समाज बताया था लखनऊ अधिवेशन में, और लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था 1916 वाला ही, ठीक ना, जिसमें आपका एसी चला था, मतलब अंबिका चरण मजुमदार की अध्यक्षता में हिंद मुस्लिम लीग और आपका कांग्रेस और गरम दल और नरम दल सभी में समझौता हो गया था। सूची एक का सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। लौह अयस्क की खान कहाँ है साथियों, ओके ओके ओके, तो तांबा, तो आपको पता है कि तांबा राजस्थान के खेतरी में होता है। कोयला जो है ये आपका कहाँ, अबरक कहाँ होता है, तो कोया झार में होता है, ओके। और अलॉयक्स कहाँ होगा, कोया झार में होगा, और ये तांबा तो पता है, और ये कोयला कोरबा में, और अबरक कहाँ कोडरमा घाटी में। इस तरह से आपका सही जवाब क्या है साथियों, सी है, ओके। सूची एक का सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए, ओके साथियों। आइए देखते हैं
क्या है आपका? बंकिम चंद चटर्जी ने आनंदवन की स्थापना की थी, सही है। माइकेल मधुसूदन दत्त ने कैप्टिव लेडी थे, रविंद्रनाथ टैगोर को गोरा, रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है, और सरोजिनी नायडू को द ब्रेकवेन विंग कहा जाता था। ये सभी एक एक सम्मिलित है, एक का एक, दो का दो और तीन का तीन, चार का चार, तो ये क्या है? पूरी तरह से सुमेलित है, इसलिए इसका सही जवाब क्या होगा? से कौन सी नेहरू रिपोर्ट की अनुशंसा नहीं थी? रेनू रिपोर्ट कब आया था? 1928 में आया था, और उस समय जो लॉर्ड बर्कन हेड थे भारत के सचिव, उन्होंने कहा था कि आप खूब संविधान सभा की मांग करते, तो जाइए सभी से एक दस्तखत करा कर ले आइए एक कॉमन मिन प्रस्ताव पर, तब हम समझेंगे। तो ये बेचारा करवाए थे, और वहां पर क्या हुआ था? मोहम्मद अली जिन्ना ने सिर्फ दस्तखत नहीं किया था, और इनका इसमें पृथक निर्वाचन मंडल की मांग नहीं की गई थी। फ्रेजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो पिछला सेट में भी यह क्वेश्चन आया था, फ्रेजी आंदोलन की शुरुआत हाजी सरेतुल्ला ने किया था। 1802 की बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुआ था? अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के द्वारा। किसके द्वारा? बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज के द्वारा हस्ताक्षर हुआ था। और इसी के बाद जो है बाजी क्या होता है, धीरे धीरे करके मराठा साम्राज्य का पतन शुरू हो जाता है। शिवाजी ने मुगल, इसमें क्या था कि इसमें यह था कि आप लोग आपस में कोई बात नहीं कीजिएगा, ना होलकर, ना सिंधिया, ना तो हम सब से क्या करेंगे, बात करेंगे, आप लोग अपना अपना देखिए। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? तो शिवाजी ने मुगलों को सलहार के युद्ध में हराया था, ठीक है। मुगल शाहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था हुआ था, मुगल शाहजादा जिसने श्रीनगर और गढ़वाल में आश्रय लिया था हुआ था, सुलेमान सिको, क्या था? सुलेमान सिको था साथियों। इस तरह से आपका जो है ये 100 प्रश्न सेट नंबर 8 का करा दिया गया है, ओके। अब आप लोग क्या कीजिए, फटाक से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ओके, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। एक मिनट का समय है, जल्दी से सभी आदमी शेयर कीजिए, और उसके बाद आपको सेट नंबर 9 अभी तुरंत कराया जाएगा। बस आप लोग को क्या करना है, एकदम शेयर करना है भाई, दबा के शेयर कीजिए, दीजिए प्लीज शेयर कर दीजिए, प्लीज शेयर कर दीजिए, प्लीज शेयर कर दीजिए। वो उम्मीद है कि आप लोगों ने क्या किया होगा, शेयर कर दिया होगा, कर दिया होगा, कर दिया होगा, और नहीं किए हैं, नहीं किए हैं तो कर दीजिए, कर दीजिए, कर दीजिए, ओके। चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 9, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 9। आपके स्क्रीन पे जो पहला सवाल दिख रहा है, देखिए आपका पहले सवाल का जवाब क्या है, पहले सवाल का जवाब है आपका साथियों, ये सवाल का जवाब क्या है? तो ये आपका सवाल का जवाब है बी, क्या है? बी है। तो आप लोग इसको क्या कीजिएगा, बना लीजिएगा साथियों, एक सेकेंड। कहता है दिए गए चित्र को मोड़ कर निम्न में से कौन सा घन बनाया जा सकता है? तो ये आपका बी टाइप का घन बना लीजिएगा, ठीक ना। संगम काल में परुगार बीडी और अरोवाल बीडी किसका प्रतिनिधित्व करते थे? ये क्या किसका करते थे? बुनकरों की गलियों का। किसका करते थे? बुनकरों की गलियों का। राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है और उसकी आय 12.5% बढ़ा दी जाती है तो वह 10% कम हो जाता, तो उसका व्यय में कितना प्रतिशत? सॉरी, किस भारतीय अमेरिकी छात्रा को हार्वर्ड लॉ रिव्यू का अध्यक्ष चुना गया था? किसे? अप्सरा आयर का। किसे चुना गया था? अप्सरा आयर। और ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ है? अमेरिका में है, इसी का एक अंग है हार्वर्ड लॉ कॉलेज, ठीक ना। और कब स्थापित हुआ था? 1817 ईस्वी में स्थापित हुआ था साथियों। अध्यक्ष किसे चुना गया था? अप्सरा आयर को चुना गया है, ठीक ना। किसी निश्चित कूट भाषा में स्टाइल को इतना लिखा जाता है तो उसे समान कूट भाषा में फर्स्ट को क्या लिखा जाएगा? तो फर्स्ट को क्या लिखा जाएगा? आपका डी होगा, आप लोग बना लीजिएगा। एक नाव शांत जल में अच्छा, ये अंग गलील अरुवल किसकी आत्मकथा है? एम के स्टालिन की आत्मकथा है, और अभी जो है इसका सेट नंबर 1 ही आया है एम के स्टालिन की आत्मकथा का। और अभी वहां के राज्यपाल कौन है? तो आर एन रवि जी हैं साथियों। और ये जो है बिहार से ही संबंधित है आर एन रवि, इसलिए पूछा जाएगा कि तमिलनाडु का राज्यपाल कौन है? तो आर एन रवि जी है, और उनका संबंध किस राज्य से है? तो बिहार से है। किससे है? बिहार से।
किस राज्य ने वाहन निगरानी प्रणाली सुरक्षा मित्र परियोजना शुरू की है? तो आइए देखते हैं कि सुरक्षा किस राज्य ने वाहन निगरानी प्रणाली सुरक्षा मित्र परियोजना शुरू की है। अब देखिए ये जो किताब है ओली अन गलीलियन अरवेन, मतलब आप ही के बीच में से हम हैं एक, तो इसमें एम के स्टालिन जी का है, डीएमके पार्टी के ये मुखिया हैं। अब देखिए ये कहा होगा तो केरल। किस राज्य ने वाहन निगरानी प्रणाली सुरक्षा मित्र प्रणाली शुरू की है? केरल ने। भारत में हर साल राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है? भारत में हर साल राष्ट्रमंडल दिवस 24 मई को मनाया जाता है। अब क्यों मनाया जाता है 24 मई को? तो 24 मई को ही ब्रिटेन की महारानी महारानी विक्टोरिया का जन्म हुआ था, ठीक ना। 24 मई 1819 को हुई था, ठीक ना। और 1901 ईस्वी में इनके मन में यह विचार आया कि मेरे जन्म दिवस को किसी खास दिवस के रूप में मनाया जाए, और फिर जो है और 24 मई को उनके जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रमंडल दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। और यह दिवस उन देशों के द्वारा मनाया जाता है जो कि कभी ब्रिटेन का गुलाम रहा था, और भारत जो है ब्रिटेन का गुलाम था, इसलिए भारत में भी क्या मनाया जाता है? राष्ट्रमंडल मनाया जाता है। और इसका जन्म कब हुआ? 24 मई 1819 को हुआ था। ओके, 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था साथियों, एशिया का पहला शहतूत जीवाश्म किस राज्य में खोजा गया है? तो ये कहाँ खोजा गया? राजस्थान में खोजा गया, राजस्थान में खोजा गया। गणतंत्र दिवस शिविर 2023 में किस राज्य से राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के दल ने प्रधानमंत्री का बैनर जीता है? ये किसने जीता है? महाराष्ट्र ने जीता है। और एनसीसी की जो है ये क्या था? नेशनल क्रेडिट कोर। और इसकी स्थापना कब हुई थी साथियों? स्थापना हुई थी 1948 में। मुख्यालय कहाँ इसका? नई दिल्ली में। कहाँ है? स्थापना 1948 और मुख्यालय कहाँ? नहीं दे। किस बॉलीवुड अभिनेता को फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सलेंस इन सिनेमा अवार्ड मिला है? ये मिला है नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी को, ठीक ना। हाल ही में सबसे अधिक वेतन पाने वाले एफएमसीजी सीईओ कौन है? तो ये एफएमसीईओ जो है ये कौन है आपके? तो ये है आपके शौकत गुप्ता। कौन है? और एफएमसीजी का मतलब क्या होता है साथियों? ये होता है आपका फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है, ठीक ना। और इसका सीईओ कौन बने हैं? शौकत गुप्ता बने हैं। और इन्हों जो है 36 करोड़ रुपया दिया गया है एक साल के लिए, किसके लिए? 2022-23 के लिए, ठीक ना। हाल ही में सरमत नाम के अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किस देश ने किया है? हाल ही में किसने किया है? ये रूस ने किया है। और किसके लिए क्या किया? अमेरिका को धमकाने के लिए किया है। बोला अमेरिका जो है रूस पे बहुत कर रहा था। सरमत का जो नाम का अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब क्या है कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप, मतलब रूस से होके अमेरिका भी जा सकता है, ठीक ना। सरबत का कौन किया है? रूस ने। ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित मामलों के लिए किस केंद्रीय मंत्रालय को नोडल मंत्रालय के रूप में मंजूरी दी गई है? यह दिया गया इलेक्ट्रॉनिक और आईआईटी मंत्रालय को। किसे? इलेक्ट्रॉनिक और आईआईटी मंत्रालय को दिया गया है, ठीक है। सेनेगल की राजधानी क्या है? तो सेनेगल की राजधानी है आपकी डकार। और ये सभी जो सेनेगल है ये सब कहाँ स्थित है? ये अफ्रीका महादेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। और इसका जो डकार नहीं डाकर नहीं डकार होगा, ठीक है। सोमालिया की राजधानी क्या है? सोमालिया की राजधानी है मेगादुसी। और साओ टोम की किसकी राजधानी है? तो साओ टोम की राजधानी क्या है? साओ टोम है, बहुत छोटा देश है साथी, ठीक है। डकार। और सोमालिया को जो है ये हिंद महासागर के लुटौरों का देश भी कहा जाता है। और ये जो सोमालिया है ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका का भी एक भाग है। ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी सर्वप्रथम कब प्रारंभ की गई थी? तो ओलंपिक खेल की शुरुआत है साथियों कब हुआ था? एंथ्रेस ओलंपिक 1996 से हुआ था, 1896 से। और दूसरा ओलंपिक जो है इस 4 साल बाद कहाँ खेला गया था? पेरिस में। और इसी खेल में किसने महिलाओं ने भाग लिया था?
और जो है पहली बार जो है भारत की तरफ से एक व्यक्ति ने इसी ओलंपिक में भाग लिया था, किसमें? पेरिस ओलंपिक 1900 में, ठीक है ना। लेकिन अगर कहेगा और भारतीय टीम ने जिस ओलंपिक में भाग लिया हुआ ओलंपिक तो था 1920 के बेल्जियम के ओंटवर्म में हुआ था, जीएम के ओंट वर्ल्ड में हुआ था, जिसमें क्या हुआ था, भारतीय टीम ने भाग लिया था, भारतीय टीम ने भाग, अगर भारत की भागीदारी सबसे पहले 1900 में, लेकिन भारतीय टीम सब कब से पहले, कब, 1920 में, ठीक है ना। आइए यहां देखिए, तीन चार आइए इसका सही जवाब देखते हैं साथियों, इसका सही जवाब क्या होगा, 19 होगा, ठीक है। भारत के किस देश के साथ माइग्रेशन और मोबिलिटी पर संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? ये किसके साथ किया भारत ने, फिनलैंड के साथ किया। भारत ने किस देश के साथ माइग्रेशन और मोबिलिटी पर संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, तो फिनलैंड के साथ। और फिनलैंड को क्या कहा जाता है, झीलों की भूमि, और इसकी राजधानी क्या, हेलन्स की। हिंद इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, हिंद इंडिया नहीं, क्या होगा, हिंद स्वराज। और हिंद स्वराज नामक जो है पुस्तक यह किसके द्वारा लिखा गया था, महात्मा गांधी के द्वारा। और सभी व्यक्ति के लिए स्वराज, और अरवली आश्रम की स्थापना किसने की थी, अरविंद घोष ने। समाजवाद वाला पिछले सेट में आया ही था, 1916 में लखनऊ में जो है समाजवाद की चर्चा किसने की थी, जवाहरलाल। और हिंद स्वराज में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश संसद की तुलना जो है बेसिया और बांध और से कर दिया था, और इसी, और महात्मा गांधी ने इसी में अपने स्वराज्य की परिभाषित किया था। और सभी व्यक्तियों के, भारत के सभी स्वतंत्रता सेनानियों का स्वराज का विचार अलग अलग था, तो गांधी जी का विचार इस दिशा में क्या था, बता दिया आपको। चीन की विशाल दरबार के निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है, किसे दिया जाता है, ये दिया जाता है आपको, पिंग सी हुएंग। और क्यों दिया गया था, तो ये क्यों बनाया गया था, तो मंगोल अधिकारियों से बचने के लिए। और आपको पता है कि चीन जो है पहले बहुत शांत था, बुद्ध का देश था, लेकिन जापान और मंगोलिया ने उसे बहुत धोया, और बाद में आज देखिए चीन क्या हुआ। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है, ये जो स्मारक है ये क्या है, बुलंद दरवाजा, ये कहाँ है, फतेहपुर सीकरी में। और फतेहपुर सीकरी शहर को कौन बसा रहा था, अकबर बसा रहा था, ठीक ना। और फतेह बुलंद दरवाजा का निर्माण जो है ये किस अभियान के बाद किया गया था, तो गुजरात अभियान के बाद किया गया था, गुजरात। और गुजरात अभियान में ही अकबर ने पहली बार किसे देखा था, समुद्र को देखा था, और समुद्र को, और कब किया था ये अभियान, तो 1572-73 में किया था, ठीक ना। और निर्माण कौन करवाया था, अकबर। और हुमायूं का मकबरा जो है ये जो है ताजमहल बनाने की प्रेरणा जो है वो शाहजहां को हुमायूं के मकबरे से ही मिला था। और हुमायूं के मकबरे को किसने बनाया था, तो इसने बनाया था आपको, गुलबदन बेगम ने, जो कि क्या थी, हुमायूं की पत्नी थी, गुलबदन बेगम, बेगम, ठीक ना। अलाई दरवाजा, और ये क्वेश्चन जो है आपको 2446 में पूछा हुआ है कि अलाई दरवाजा जो है कुतुब मीनार का मुख्य, कुतुब मीनार परिसर का मुख्य दरवाजा क्या है, अलाई दरवाजा है, और इसका निर्माणकर्ता कौन है, तो इसका निर्माणकर्ता है आपका अलाउद्दीन खिलजी, ठीक। इसने किसने बनाया था, हमीदा, इसरो ने। और हुमायूं के मकबरे को मुगलों का क्या कहा जाता है, कब्रिस्तान कहा जाता है, ठीक। इसरो ने इस इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, जो भारत के पहले मानव वाहक रॉकेट गगनयान मानव अंतरिक्ष मिशन मिशन को शक्ति प्रदान करेगा। इंजन का नाम क्या है, इस ये है, चलिए
ये क्या है, आरटीआई अधिनियम का प्रभाव हुआ, अक्टूबर 2005 में प्रभावी हुआ। ये इंजन क्या है, विकास इंजन, क्या है, विकास इंजन है, जो इसरो ने इस इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। अगला सवाल देखिए, कंप्यूटर के लिए सबसे पहले सी लैंग्वेज का विकास किसने किया, तो डेनिस रिची ने, किसने किया, डेनिस रिची ने, कंप्यूटर के लिए सबसे पहले सी लैंग्वेज का विकास किसने किया, डेनिस रिची ने। अखिल भारतीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप का उद्घाटन दिल्ली में होगा और भारतीय खेल प्राधिकरण के साथ चैंपियंस की सही मेजबानी कौन सा देश कर रहा है, ये कर रहा है आपका दक्षिण कोरिया, और दक्षिण कोरिया का जो राजधानी है ये क्या है, सियोल है, और दक्षिण कोरिया जो है ये कोरियाई प्रायद्वीप पर स्थित है, इसके उत्तर में है उत्तर कोरिया और दक्षिण में है दक्षिण कोरिया। चलिए, सबसे ज्यादा किस प्रजाति के लोग थे, तो यहाँ क्या है, सबसे ज्यादा प्रजाति हरप्पा सभ्यता में, किसमें, हरप्पा में कौन थे, भूमध्यसागरीय प्रजाति रहते थे, कौन रहते थे, भूमध्यसागरीय पर। भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादक का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, भारत में धारणीय, तो किसे माना जाता है, जल विद्युत को माना जाता है, क्योंकि तो जल विद्युत से किसी भी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं होता साथियों, इसलिए जल विद्युत को क्या माना जाता है, जल विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। गोल्डमैन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, तो गोल्डमैन पुरस्कार जो है यह पर्यावरण की रक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है, और इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई है, 1989 में हुई है, ठीक। और देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है, पटियाला में, और ये जो पटियाला में है ये विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय खेल संस्थान है, ठीक ना, सॉरी विश्व का नहीं, एशिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय खेल संस्थान क्या है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस खेल। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है, तो सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसमें, कार्बन चक्र में है, क्योंकि सौर विकिरण के द्वारा ही कार्बन का उत्सर्जन होता है। वाहनों में पीछे के दृश्य को देखने के लिए लगे दर्पण द्वारा आवर्धन होता है, एक से कम, कितना आवर्धन होता है, एक से कम। तीसरी आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक किस शहर में हुई है, ये हुआ है आपका नई दिल्ली में। आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है, ईस्ट एशियन एसोसिएशन, ठीक ना, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संघ, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक ना, आसियान का फुल फॉर्म। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो जकार्ता में, कहाँ है, जकार्ता कहाँ, इंडोनेशिया। और इसकी स्थापना कब, 1967 में हुआ है, और वर्तमान में इसमें कितने देश हैं, 10 देश हैं, ठीक ना, और कौन कौन सा देश है साथियों, तो थाईलैंड, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, फिलीपींस, ठीक, यही सब इसमें शामिल है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है, तो ये मुख्यालय कहाँ है, नैरोबी में, कहाँ है मुख्यालय, नैरोबी में, कहाँ है, और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1972 में हुई थी, ठीक, और नैरोबी कहाँ है, तो केनिया में, कहाँ है, केनिया में, ठीक ना। और कहता है द हेग में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, द हेग में है। और न्यूयॉर्क में क्या है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। और IMF और WF और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन DC में, वर्ल्ड बैंक। और चलिए, मिट्टी के बर्तन में रखा जल गर्मियों में भी डैश के कारण ठंडा रहता है, डैश के कारण ठंडा रहता है, तो बाष्पोत्सर्जन किसके कारण ठंडा रहता है, बाष्पोत्सर्जन के कारण ठंडा रहता है। देखिए, इस तरह से गहरा है और वहां से क्या होता है, पानी का बाष्पीकरण होते रहता है। सेवरेस की संधि के प्रकाशन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से कौन सी घटना हुई, तो सेवरेस की संधि कब हुई थी, 1920 में। और असहयोग आंदोलन कब हुआ था साथियों, तो 1920 में, 1 अगस्त को। सबने अवज्ञा आंदोलन 1930 में, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। तो ये कब होगा, तो कौन सा संधि, इसके बाद कौन सी घटना हुई थी, असहयोग आंदोलन, और कब हुआ था, ये 1 अगस्त को हुआ था। और 1 अगस्त को ही दिन आपका बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी, जिसके वजह से तिलक कोष की स्थापना की गई थी। और इन सबों के जो है
सूत्रधार कौन थे? महात्मा गांधी। लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन के कोई नेतृत्वकर्ता नहीं थे। ये क्या था? अपने आप में एक स्वतंत्र आंदोलन था, क्योंकि इससे पहले जीरो आवर के तहत सबों को क्या कर लिया गया था? गिरफ्तार कर लिया गया था। साथियों, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? वायसराय गवर्नर जनरल लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने कोका आंदोलन को दबाया, सही है। और लॉर्ड मिंटो मुस्लिम लीग का गठन हुआ, सही है। कब हुआ था मुस्लिम लीग का गठन? 1906 में। लॉर्ड हार्डिंग ने नलबली प्रथा को प्रतिबंध किया था, सही है। और लॉर्ड हार्डिंग ने बैरकपुर का सैन्य विद्रोह को दबाया था, ये गलत है। इसका शासन काल कब से कब तक था? 1872 से 76। और ये कूका आंदोलन के जो कहाँ हुआ था? तो पंजाब में हुआ था। और इसके नेता कौन थे? भगत जवाहरलाल थे, ठीक ना। और 1906 में इन्हीं की प्रेरणा से क्या हुआ था? और लॉर्ड हार्डिंग का शासन काल है 1844 से 48। और इन्होंने नलबरी प्रथा का अंत किया था। और इसका शासन काल 1813 से लेकर 1823 तक था। और यहाँ क्या था? लॉर्ड एम हर्स। और इनका शासन काल कब तक से? और ये कब हुआ था? 1824 में हुआ था। और ये किस आधार पर हुआ था? ब्रह्मा जाने का सवन, ठीक। 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानियों में महक परी का उपनाम किसने दिया था? तो महक परी के उपनाम से इसका नेतृत्व करने वाली बिजरिस कादिर की माँ, जिसने बिजरिस कादिर को नवाब बनाकर युद्ध लड़ा था, वो हजरत महल ने किया था, ठीक। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस किसकी रचना है? तो द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस विजयालक्ष्मी पंडित की रचना है। और ये डॉक्टर विजयालक्ष्मी पंडित जो है, ये बहुत पढ़ी लिखी महिला थी, तानाशाह महिला थी। और ये किसकी बहन थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। और आज़ादी के बाद 1947 में ये पंडित विजयालक्ष्मी पंडित जो है, ये ब्रिटेन की क्या बनी थी? राजदूत बनी थी। चलिए, चलिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तुगलकाबाद का किला कौन बनाया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। लॉर्ड गार्डन लोधी गार्डन को किसने बताया था? सिकंदर लोधी ने। फतेहपुर सिकरी की स्थापना किसने की था? अकबर। और कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक। और सबसे पहले एक नंबर में यही बना है। और उसके बाद दो नंबर में आपका क्या बना है? दो नंबर, उसके बाद क्या है आपका? तीन नंबर, और उसके बाद चार नंबर, ठीक ना। इस तरह से आइए देखते हैं आपका सही। इसका सही जवाब क्या होगा? 3142, ठीक है। वैदिक युग में हिरण शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ था? तो सोना के लिए। किसके लिए हुआ था? सोना के लिए। इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए तो धान जो है इसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं होता है। आइए अगला देखते हैं साथियों। धान एक एटमोस्फियर में क्या होता है? एक एटमोस्फियर 1.1 × 10⁻¹⁵। आधुनिक आवर्त सारणी में रहे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8 युक्त तत्व के आप क्या समूह में पाते हैं? जिसमें 2-8 है, तो इसमें किसे पाएंगे? 18M, क्योंकि 8 है तो किसमें होगा 18। नवपाषाण युग की समाप्ति के बाद दक्षिण में किस संस्कृति का उदय हुआ? तो इसमें महापाषाण काल संस्कृति का उदय हुआ। सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए एक मिशन में शामिल लेती है? कौन है? रियाना बरनावी। कौन है? रियाना बरनावी जो है, ये सऊदी अरब की महिला है, ठीक ना। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक चक्रीय और संतृप्त है? ये बेंजीन है। बेंजीन है C6H6। गैल्विनो मिलो परिपथ में संयोजित होने पर डैश की उपस्थिति का संसूचक करता है? गैल्वेनोमीटर थी। कब क्या क्या था? गैल्वेनोमीटर विभांतर को 4 अगस्त। स्वतंत्रता के पश्चात देश की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए भारत में राष्ट्रीय आय समिति गठन कब किया गया था? 4 अगस्त 1949 को किया गया था। और सबसे पहले राष्ट्रीय आय गणना किसने किया था? चार्ल्स का नियम गैसों के किन दो गुणों के मध्य संबंध स्थापित? आयतन और ताप के बीच। इसके बीच आयतन और ताप के बीच संबंध स्थापित करता है। आइसोटोन होते हैं साथियों, आइसोटोन क्या होते हैं?
आइसोटोन होते हैं। आइसोटोन किसको कहते हैं? जिसमें प्रोन्यूट्रॉनों की संख्या समान हो। और भारत में आए धन का वितरण होता है। भारत में आए धन का वितरण क्या है? असमान है। क्या है? असमान है। ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता का माप है, तो पेट्रोल की गुणवत्ता का माप है। किसका? पेट्रोल। जिसकी ऑक्टेन संख्या ज्यादा होता है वह पेट्रोल क्या रहता है? ज्यादा ताकतवर होता है। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा का चलन क्या कहलाता है? विमुद्रीकरण। क्या कहलाता है? विमुद्रीकरण। और कितना बार हुआ है? तीन बार हुआ है। पहली बार कब हुआ? 1946 में। दूसरी बार कब हुआ? 1978। और तीसरी बार कब हुआ? 2016। भाइयों एवं बहनों, आज रात के 12 बजे से तो 500 और 1000 रुपया के नोट क्या होंगे? चलन से बाहर हो जाएंगे। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया? आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज क्या कर दीजिए? लाइक कर दीजिए। ठीक है ना? राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया? तो 1953 में किया गया था। कब किया गया था? 1953 में। अब देखिए क्या है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में किया गया था और फजल अली आयोग का गठन 1956 में किया गया था। राज्य पुनर्गठन के और इसमें फजल अली आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। और इसी के बाद क्या किया गया था आपका? 14 भाषा पर 14 राज्यों का गठन किया गया था। लेकिन 1953 में, 1953 में। ठीक, लेकिन आंसर क्या होगा? 1953। और सबसे पहले जो राज्य बना था वो कौन था आपका? आंध्र प्रदेश। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसकी स्वतंत्रता की वर्णन नहीं है? और कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। आर्थिक आर्थिक स्वतंत्रता की चर्चा नहीं है। आर्थिक क्या है? न्याय। और भारतीय संविधान के प्रस्तावना में 5 प्रकार के समानता की बात की गई है और न्याय जो है 3 प्रकार, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। स्वतंत्रता 5 प्रकार, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता 5 और न्याय 3। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जिला योजना के समिति का गठन किया गया है? जिला योजना समिति का गठन किया गया अनुच्छेद 243ZZ के तहत। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बर्लिन में भारतीय स्वतंत्रता समिति का गठन किया गया था। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बर्लिन में किया गया था महेंद्र प्रताप के द्वारा। ठीक। और किन दो संख्याओं को मिलाकर ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन नामक संगठन का स्थापना की गई थी? तो जमींदारी एसोसिएशन और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। जमींदारी एसोसिएशन और बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। और ये स्थापना कब हुआ था? 1838 में हुआ था। ये क्या हुआ था? 1843 में हुआ था। इसकी स्थापना किसने थे? द्वारिका प्रसाद टैगोर। और ये कौन किया था? जॉर्ज थॉमसन ने। और भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था आई थी जमींदारी एसोसिएशन, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1838 में। किसने किया था? द्वारिका नाथ। और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 में और जॉर्ज थॉमसन ने। और इस दोनों को मिलाकर 1851 में जो है राधाकांत देव ने किसकी स्थापना की थी? इसकी। ठीक ना? किसकी स्थापना की थी? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। साथियों आइए, तुर्कों ने सर्वप्रथम किस भारतीय शासक को प्रशासित किया था? तो सबसे पहले जो है किसे पराजित किया गया था? जयपाल को पराजित किया था। और सबसे पहला व्यक्ति कौन था जो आक्रमण किया था, इसको हराया था? सुबुक्त गिन। और भारत में इस्लामी सभ्यता को जो है फैलाया कौन था? महमूद गोरी ने फैलाया था। ठीक ना? औरंगजेब ने किसको शाही बात उद जमावी की उपाधि दी थी? ये उपाधि दिया था किसे? जहां आरा को दिया गया था। तो जहां आरा जो थे और ये औरंगजेब क्यों दिया था? क्योंकि मुगल काल में जो था पहली महिला का दर्जा दिया जाता था। अभी जैसे भारत की पहली महिला कौन है? तो भारत की पहली महिला है द्रौपदी मुर्मू जी। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को सम्मिलित रूप से यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। स्टेट जनरल किस प्रकार की संस्था थी? तो यह प्रतिनिधियों की संस्था थी।
स्टाम्प एक्ट किसने लगाया था? तो स्टाम्प एक्ट लगाया था ग्रेनविले ने। किसने लगाया था? हेनरी द नेविगेटर। किस देश के राजा थे? तो पुर्तगाल के, और इसे इसलिए हेनरी द नेविगेटर कहा जाता है। और स्पेन की रानी कौन थी? इसाबेल। और भौगोलिक खोजों को बढ़ावा देने के वजह से किसे हेनरी द नेविगेटर को नेविगेटर कहा जाता है। और इन दोनों ने क्या किया था? कस्तुतुनिया का पतन कब हुआ? तो कस्तुतुनिया का पतन 1453 में हुआ। और इसी के पतन के बाद जो है अरब सागर पर किसका अधिकार हो गया था? अरबों का अधिकार हो गया था। तिरुकुल्लर ये क्या है? एक दर्श त्वलका पीएम क्या है? ये एक व्याकरण ग्रंथ है जो पांडिव सा। और शिल्पाधिकार क्या है? एक प्रेम कथा। इसके इसके रचयिता कौन है? एलांगे आदिगल। और मली मली मेखले के बीच ये क्या है? और देखिए आप तोलका पूरल क्या है? दर्शन है। और उसके बाद तिरुकुल्लर के रचयिता कौन है? तिरुवल्लम। तोलका पीएम के तोरका पियर इसका रचयिता कौन है? तोरका पियल। शिल्पाद इलंगे और इलंगे मली मेखले के रचयिता कौन है? शीतले शीतले। अब देखिए ध्वनि की पेच किस पर निर्भर करती है? ध्वनि की पेच किस चीज पर निर्भर करती है? तो आवृत्ति पर। किस पर? आवृत्ति। आवृत्ति कितना से कितना तक होता है? 20,000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक को आवृत्ति। ऋग्वेद के किस मंडल की रचना संभवतः सबसे बाद में की गई? तो एकमा और दसमा का क्या किया गया? बाद में किया गया। ठीक। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है? तो नाभिकीय बल कहलाता है। क्या कहलाता है? नाभिकीय बल कहलाता है। ठीक। किस एक्ट के प्रयास और भूल की संज्ञा दी जाती है? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को प्रयास और भूल की संज्ञा दी जाती है। अब देखिए हुआ यह था कि अंग्रेज जो है वो भारतीय शासक को बेहतर बनाने के लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया था, लेकिन इसमें क्या हुआ था? पावर का डिस्ट्रीब्यूशन सही रूप से नहीं हो पाया था, जिस वजह से सभी अंग्रेज आपस में क्या कर रहे थे? लड़ झगड़ रहे थे। जैसे कि संयुक्त परिवार का विभाजन होता है, उस तरह से एकदम सब एक दूसरे से भिड़ गया था। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? भूल और प्रयास की संज्ञा दी गई थी। किसे? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को। और ये भारत में पहला रेगुलेटिंग एक्ट था। राष्ट्रपति को किसी भी विधेयक को अपने पास सुरक्षित रखने का अधिकार किस वीटो के तहत है? ये आत्यंतिक वीटो के तहत। किसके तहत? आत्यंतिक। और इसका जो प्रयोग है दो व्यक्तियों ने किया, दो राष्ट्रपति ने किया, राजेंद्र प्रसाद और APJ अब्दुल कलाम। ठीक ना। और विशेष यो पॉकेट विकोटो का आविष्कार किसने किया था? जेनी गैल सिंह ने किया था। किचन कैबिनेट में कौन शामिल होते हैं? किचन कैबिनेट में सभी शामिल होते हैं। ठीक ना। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति जो अनुच्छेद 127 के तहत किया जाता है। ठीक। अब क्या है? जब सुप्रीम कोर्ट की कोरम की पूर्ति नहीं होती है तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? ऐसी स्थिति में तत्र्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कर लेता है। मान लीजिए न्यायाधीश का पद खाली है, और ये कब होता है? तो राष्ट्रपति। ठीक है। लोकसभा में विशेषाधिकार समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो ये होता है कितना? 15 सदस्य। कितना सदस्य होता है? 1। चलिए आगे देखते हैं। लोकसभा में विशेषाधिकार में कितनी समिति? ठीक। लोकसभा की विशेषाधिकार समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 15। और राज्यसभा में कितना होगा? तो 10। कितना होगा? 10। जीव जंतु पर लगाया गया कर किसके तहत आता है? तो जीव जंतु पर जो भी कर लगाया जाता है वो किसके तहत आता है साथियों? तो जीव मानव ठीक। अगला सवाल देखिए। राज्यसभा देखिए जीव जंतु पर लगाया गया कर किसके तहत आता है साथियों? तो ये आता है, ये आएगा आपके किसके तहत? क्या होगा?
संघ सूची होगा, ठीक ना। जीव जंतु पर लगाया गया कर किसके तहत आता है? संघ सूची। मानव रक्त की श्यानता का कारण क्या है? मानव रक्त की श्यानता का कारण है प्लाज्मा और बिंबाणु, उपयुक्त सभी। चलिए अगला देखते हैं, कहता है भारत की सरकारी भाषा संबंधी प्रावधान का संशोधन हो सकता है तो कम से कम 2/3 बहुमत से। बेतवा नदी मिलती है किसमें? तो बेतवा नदी यमुना की सहायक नदी है। उसके बाद कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कठिन आता मकबरा सही नहीं है? वह दक्षिण चिली में स्थित है, नहीं है, चिली के उत्तरी भाग में स्थित है, बाकी ये तीनों क्या है? सही है, ठीक है। कहता है खून को जमाने से रोकने में सहायक योगी सोडियम, तो सही जवाब क्या है इसका? सी सही, सोडियम खून को जमने से रोकने के लिए रोकने में सहायक योगी सोडियम लेमेरिया सल्फेट किस शैवाल से प्राप्त होता है? लेमेरिया से। किससे? लेमेरिया से। रक्त और संक्रमण में कमी को रोकने के लिए हाइपरेरिया की अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने कौन सी उपाधि? तो जिल्ले इलाही की। किसकी? जिल्ले इलाही का मतलब क्या होता है? बादशाह अल्लाह ताला का परछाई, ठीक है। जाइलम का कौन सा तत्व जीव जंतु कोशिकाओं का बना होता है? तो जाइलम मृदु होता है। क्या होता है? जाइलम मृदु। सिल्वर फिश किस जीव का, किस संघ का जीव है? आर्थ्रोपोडा। भोजन का पूर्ण पाचन किस छोटी आंत के किस भाग में होता है? तो ये होता है इलियम में। और बासमती चावल के दाने पकने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि क्योंकि उसमें क्या रहता है? ठीक। आइए मैगलन अंतरिक्ष यान किस ग्रह हेतु भेजा गया है? और साथियों वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले, ठीक। इसमें माइलेज की अधिकता कारण लंबे। मैगलन अंतरिक्ष यान किस ग्रह हेतु भेजा गया था? तो मैगलन अंतरिक्ष ग्रह जो है ये शुक्र के लिए भेजा गया था। किसके लिए? शुक्र के लिए। कहता सूची एक के पदों को सूची दो के पदों के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए। तो देखिए माउंट केलम्बरो का संबंध किससे है? तो माउंट केलम्बरो का संबंध है मलेशिया से। अलब्रुज का संबंध किससे है? देखिए अब क्या अलब्रुज का संबंध किससे है? इसका संबंध है ईरान से। उसके बाद आपका क्या है? आकांका गोवा और किलिमंजारो। तो किलिमंजारो क्या है? तंजानिया में है। और आकांका गोवा कहाँ है? अर्जेंटीना में है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा साथियों? इसका सही जवाब क्या होगा साथियों? डी होगा, ठीक ना। देखिए इसका कहता है अगला सवाल है केरल के कई भागों के समुद्री तटीय बालू में निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ, कौन से पदार्थ पाए जाते हैं? तो इसमें आपका पाया जाता है 1, 2, 3 इल्मेनाइट, जेकोन और सिलेमाइट। टंगस्टन नहीं पाया जाता है। उसके बाद अगला सवाल है भारत में प्रजातियों के निर्धारण का क्या आधार है? भारत में जनजातियों के निर्धारण का संस्कृत और विशेषाधिकरण और विभिन्न आवास, ये क्या है? अगला सवाल है न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है आपका लक्षद्वीप। क्या है? लक्षद्वीप। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जल संस्थान परिषद का गठन कब हुआ? अगला सॉरी यहाँ क्या न्यूनतम, तो यहाँ क्या है? सर्वाधिक साक्षरता, सर्वाधिक साक्षरता। और ये न्यूनतम वाला है, न्यूनतम वाला क्या है? और जल संसाधन परिषद का गठन कब हुआ? 1913 से। मोसान किस पर, मोसान किसका पशु है? तो ये है आपका मोसान किस पशु? बकरी। और ये किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है। फूलों में आकर्षक क्रोमोप्लास्ट के क्रोमोप्लास्ट के फूलों और बीजों के विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग किसे प्रदान करता है? क्रोमोप्लास्ट। कश्मीर घाटी स्थित है, कश्मीर घाटी स्थित है पीर पंजाल और हिमादी पर्वत श्रेणियों। और मध्य प्रदेश में पीतमपुर किसके लिए जाना जाता है? मध्य प्रदेश में पीतमपुर ऑटोमोबाइल के लिए जाना जाता है साथियों। और अम्ल वर्षा संबंधित है, आम वर्षा संबंधित है। आम वर्षा कहाँ होती है? मार्च और अप्रैल में होने वाली वर्षा, केरल और कर्नाटक। वर्षा को क्या कहते हैं? अम्ल वर्षा।
केरल और कर्नाटक में मार्च में होने वाली वर्षा आम्र वर्षा। निम्नलिखित से कौन सा सर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो उत्तरकाशी क्या है? उत्तरकाशी किस नदी के भागी रथी नदी पर है, भागीरथी नदी पर स्थित है। क्या चीज? उत्तरकाशी। ठीक है साथियों, और देखिए इस तरह से हमने आपको सेट 8 और सेट 9 पूरा कंप्लीट करा दिया है, और उम्मीद है कि आपको यह जो सेट है ये आपको बहुत ही फायदा पहुंचाएगा। अगले वीडियो में जल्द ही मिलते हैं, तब तक आप क्या कीजिए, इस वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, फिर मिलते हैं। पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। वंदे मातरम।